राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर नगर परिषद टाउन हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, सहाड़ा विधायक गायत्री देवी, जिला प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन कर जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री तथा राजस्व मंत्री द्वारा देवनारायण एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत जिले के 145 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। समारोह के दौरान गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक अक्षय त्रिपाठी, पूर्व विधायक विवेक धाकड़, पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा, पूर्व सभापति ओम नारायण निवाल, पूर्व UIT चेयरमैन कैलाश व्यास, गुलापुरा नगर पालिका चेयरमैन सुमित कालिया, भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष चेतन डिडवानिया, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, अति जिला कलेक्टर राजेश गोयल, CEO जिला परिषद डॉक्टर शिल्पा सिंह, प्रशिक्षु IAS वुडानिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि व जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि विगत 4 वर्ष में जिले में बेजोड़ कार्य हुए हैं। जिले में कोरोना के समय में बेहतर कार्य किया गया, जिसके कारण देश भर में भीलवाड़ा मॉडल चर्चा में रहा। उन्होंने महामारी के दौरान महिलाओं बच्चों में संकोच दूर कर उन्होंने महावारी के दौरान महिलाओं बच्चों में संकोच दूर कर वर्षों से चली आ रही रूढ़ियों को तोड़ने के लिए राज्य सरकार की उड़ान योजना को सामाजिक क्रांति के लिए सराहनीय कदम बताया। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी का 10 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क हो रहा है। चिरंजीवी योजना में निःशुल्क इलाज से अब गरीबों को इलाज के लिए कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है। जिला स्तरीय समारोह के दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने राज्य सरकार के उल्लेखनीय कार्यों को गिनाया और कहा कि 4 साल में राज्य सरकार द्वारा ऐतिहासिक विकास कार्य किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा आम जन के कल्याण के लिए संचालित की जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं देश भर में अनुकरणीय है। कोरोना संकट के बावजूद राज्य सरकार ने आम जन के हित में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर सराहनीय कार्य किए हैं। समारोह के दौरान उन्होंने आमजन से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अधिकाधिक लाभ लेने तथा अपने आस पड़ोस और जरूरतमंद तक की भी इन योजनाओं का प्रचार प्रसार कर फायदा उठाने के लिए आमजन से आह्वान किया। समारोह के दौरान सहाड़ा विधायक गायत्री देवी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं व महिलाओं को बजट में विशेष ध्यान रखकर प्रत्येक वर्ग के हितों के लिए विकास कार्यों को गति प्रतिदिन किया जा रहा है। जिला प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने जिला स्तर पर आयोजित समारोह के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन 4 वर्षों में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इन वर्षों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जिला स्तर पर विकास प्रदर्शनी का आयोजन प्रत्येक जिले में किया जा रहा है, जिससे कि योजनाओं की जानकारी अंतिम छोर तक पहुँच सके। समारोह के दौरान जिला प्रभारी मंत्री व राजस्व मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर चिरंजीवी 108 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने चिरंजीवी 108 बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा व रायला में 2 चिरंजीवी 108 बाइक एम्बुलेंस प्रदान की गई है। इन एम्बुलेंस के शुरू होने से जिला के गुलाबपुरा व रायला क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। बच्चियां हमारी हैं, बहनें हमारी हैं, माताएं हमारी हैं। उनकी दुख दर्द, उनकी तकलीफ को समझने का और स्वच्छता के अभाव में जो तकलीफें बढ़ जाती हैं, आधी आबादी की उन तकलीफों को दूर करने का जो प्रयास है, उसको मैं उड़ान योजना के रूप में देखता हूं। परिस्थिति यह रहती है, गांव में आज भी कई कई स्थिति है, कुछ तो स्थिति में सुधार आया है, लेकिन अभी भी स्थिति यह है, सरपंच साहिबा, प्रधान साहिबा, तकलीफ वाला काम हो गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने उस समय तारीफ की जब सबसे पहले कोरोना मरीज जयपुर में आया, उसके बाद 12 मार्च को भीलवाड़ा में आया, तो भीलवाड़ा रामगंज दोनों एक मॉडल बने। WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक दिशा दी भीलवाड़ा ने, और राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिसमें तमाम वो अधिकारी जो नीचे पुलिस वाला स्टाफ, आंगनबाड़ी नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर्स, यानी जितने भी भाग लेने वाले अधिकारी कर्मचारी थे, उन्होंने ऐसा अभूतपूर्व काम किया जिसकी बदौलत पूरी दुनिया को इस कोरोना महामारी में नया जीवन जीने के लिए एक दिशा दी।
वो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा मॉडल भी बना है, वो भीलवाड़ा की जनता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कृपा से ये चीज हुई। आज उन किसानों के कर्ज माफी की बात है, 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्जे राजस्थान में किसानों के माफ हुए हैं। सिर्फ वो कर्जे बचे हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के, केंद्र के सरकारी बैंकों के, उसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से बार बार उनको आग्रह किया जा रहा है कि आप बड़े बड़े उद्योगों को पैकेज देते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ करते हैं, लाखों करोड़ रुपए आपने कर्जे माफ कर दिए उद्योगपतियों के, किसानों के लिए भी कुछ करिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बार बार इस बात के लिए केंद्र से मांग करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी किसानों की तरफ देखना तो दूर, कर्जे माफ करना तो दूर। पहले तो किसानों के खिलाफ 3 बिल ले आई और अब भी कोताही कर रही है कोई किसानों के कर्जे माफ करने के लिए। सरकार कह रही है, राजस्थान की सरकार, कि आप एक सेटलमेंट कर लीजिए, हम पैसा देंगे। वो सेटलमेंट भी करने को केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के बैंक तैयार नहीं है। एक केंद्र की भाजपा सरकार किसान विरोधी है। राजस्थान में किसानों के लिए बहुत शानदार काम हुए हैं। 1,000 रुपये कृषि कनेक्शन पे महीने की सब्सिडी है, जिससे 8,85,000 किसानों के बिल जीरो हो गए हैं। 50 यूनिट बिजली पूरे प्रदेश में घरेलू कनेक्शनों के लिए निःशुल्क है, उससे लगभग 38 लाख उपभोक्ताओं के बिल शून्य हो गए हैं। 15,000 लीटर जल, 15,000 लीटर तक का जल शुल्क माफ है पानी का। बहुत लाभ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने दिए हैं। मैं